बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस बहुत ही प्यारे दिन के साथ मैं हूं आपका भाई शिवाद वड़ैच। मेरी तरफ से मेरी सारी यूट फैमिली को ढेरों सा प्यार मोहब्बत और अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता शाद आबाद रखे। मैं भी अपनी सारी यूट फैमिली के प्यार मोहब्बत और सपोर्ट का हमेशा एक तरह शुक्रिया अदा करता हूं। उसके लिए थैंक्स लॉट, धन्यवाद, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। एक मछली वाला होता है, उसने मछली का स्टॉल लगा रखा होता है, वो बेचता है वहाँ पर मछली, और साथ में उसने एक बोर्ड लगा रखा होता है, उस पर उसने लिखा हुआ होता है यहाँ पर ताज़ा मछली दस्तयाब है। अब एक बंदा आता है उसे मछली ख़रीदने के लिए, और वो पढ़ता है जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर ताज़ा मछली दस्तयाब है। वो उस दुकानदार से कहता है कि यार आपकी शॉप जो है मछली की है, यहाँ पर मछली के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता, तो ये आपने क्या लिखा है यहाँ पर ताज़ा मछली दस्तयाब है? तो जस्ट आप यही लिख सकते हैं कि यहाँ पर मछली दस्तयाब है, आर रेडी, यहाँ पर तो किसी ने आना है तब ही उसने लेनी है। तो ये आपने फालतू लिख रखा है यहाँ पर, आप जस्ट लिखें कि ताज़ा मछली दस्तयाब है। वो साथ से यहाँ पर मिटा देता है। अब कोई बंदा आता है और वो आकर उसे कहता है कि ये आपने क्या लिख रखा है ताज़ा मछली दस्तयाब है। वो आगे से दुकानदार कहता है जी बिल्कुल ताज़ा मछली मिलती। तो वो कहता है कि क्या आप बासी भी बेचते हैं, क्या आप पुरानी भी मछली बेचते हैं? वो कहते हैं नहीं। तो कहता है कि जब मछली ताज़ा है और आप बेचते भी ताज़ा हैं, तो ये ताज़ा साथ लिखने की क्या ज़रूरत थी, आप ताज़ा भी मिटा दें। वो बेचारा मेरे तरह सीधा होता है, वो ताज़ा भी मिटा देता है साथ। आप वहाँ पर मछली की पिक्चर बनी हुई होती है और नीचे लिखा हुआ होता है मछली दस्तयाब। आप कोई और दानिशवार आता है जैसे कि सितारा के पीछे पड़े हुए, वो आकर कहता है कि ये क्या लिखा है मछली दस्तयाब है? अरे भाई आपकी शॉप मछली की है, आप यहाँ पर मछली बेचते हैं, मछली के सिवा और कुछ भी नहीं दस्तयाब होता, तो आपने क्या लिख रखा है कि मछली दस्तयाब है? आप जस्ट वहाँ ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है, जस्ट आप लिखें कि दस्तयाब है, ऊपर पिक्चर लोग देख कर जान जाएंगे। अब वो बेचारा वहीं पर बैठा होता है, कोई और बंदा आ जाता है, वो कहता है कि यार सबको पता है यहाँ पर मछली है, मौजूद है, शॉप आपने ओपन की हुई है, सामने दिख रही है, तो क्या लोगों को आप क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? जस्ट मछली की पिक्चर है और छोड़ें क्या लिखना है, दस्तयाब तो है, मौजूद है। तो वो बेचारा ना दस्तयाब है भी मिटा देता है और पीछे मछली सिर्फ बचती है। आप कोई आता है, वो कहता है कि यार मछली सारे लोग देख रहे हैं, आपने बोर्ड पर ये सारा कुछ है, मतलब वैसे ही लिख रखा है, मछली की पिक्चर बना रखी है, सामने जो पड़ी ये भी आप साफ़ कर दें, वो भी साफ़ कर देता है। अब वो बोर्ड सिर्फ वहाँ पर पड़ा हुआ होता है। कोई और आता है, वो कहता है कि यार ये बोर्ड जो तुमने वैसे लगा रखा है तो इस पर कुछ लिख ही दो। वो कहता है भाई मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर, तो सब ने कहा कि ये करके मिटाते जाओ। तो वो कहता है फिर बोर्ड की क्या ज़रूरत है, इसे भी बेच दो। तो वो वहाँ से बोर्ड उठाता है और उसे बेच देता है, इतने मेहनत कोशिशों से बोर्ड उसने बनवा रखा होता है, तो वो इन लोगों की वजह से ना बोर्ड ही बेच देता है। अब ना वहाँ पर कोई इस तरह का कोई साइन नहीं होता। फिर लोग आते हैं, वो कहते हैं यार तूने कुछ तो लोगों को पता चले ना कि यहाँ पर क्या है, ये है, वो है। बात करने का मकसद ये है कि तनकीद करने वाले लोग जो हैं ना, उनका यही दिल होता है कि लोग जो हम कहें वही करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ पर जिस माशरे में हम रह रहे होते हैं ना, उनमें से हर बंदे का दिल करता है कि मेरा नाक हर बंदे के, वो क्या कहते हैं कि डोंट पोक योर नोज इन माई बिजनेस, ऐसे ही है ना, वट एवर जो कुछ भी है, तो नाक घुसेड़े रखना जो है ना हर एक बंदा चाहता है। तो सितारा जैसे आगे बढ़ रही है, अल्लाह पाक उसे आगे बढ़ता रखे, और साथ में उसके लिए भी यही है कि एक आज सितारा का व्लॉग देखा है जिसमें सबसे पहले तो बात करते हैं मुस्तफ़ा पर, मुस्तफ़ा ने कटिंग करवाई हुई थी, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, और बहनें बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी। वैसे मुस्तफ़ा को तो नहीं अच्छे लग रहे थे, उसने ऊपर हैट पहन रखी थी, लेकिन वैसे इससे पहले जो कटिंग करवाई थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, ये कटिंग उसकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और सारी बहनें कह रही हैं कि सितारा आप मुस्तफ़ा का सदका उतारें या इसकी नज़र उतारें, अल्लाह पाक इसको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएँ। और वहीं पर सितारा कौसर को लेकर गई हुई थी वहाँ पर शॉप पर, और जैसे वो सितारा उनके घर गई है और
अभी वो गाड़ी में ही बैठे हैं तो आगे से कौसर आ गई, कौसर ने आकर सितारा को हक किया, बड़े पुरतपाक तरीके से वेलकम किया है। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैं यही चाहता हूँ कि यार अब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है ना, चलो ठीक है, सितारा को अपना और अपने बच्चों को सेफ रख कर, जहर बात है कि छोड़ा तो कुछ भी नहीं जा सकता, तो मामला ठीक होना तो एक जहनी टेंशन ख़त्म हो ही रहती है। अदरवाइज़ हर वक्त बंदा सोचता रहता है कि यार ये उसने ये कर दिया वो कर दिया। और डेफिनेटली अब कौसर को भी शायद समझ आ गई होगी, और कई बहनें तो कह रही हैं कि कौसर ये चाहती होगी कि सितारा के साथ मेरे अब मामला ठीक रहें, क्योंकि ठीक रहेंगे तो आगे उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी ये ठीक है। उसे पता है ना कि अगर घर बनेगा या जो कुछ भी बनेगा, ये तो हो नहीं सकता कि अगर सितारा के कौसर के साथ मामला ठीक हो और सितारा कहे कि चलो जी कौसर के लिए घर बनवा दे। अब उसने तो बनवाना है अपने बच्चों के लिए बनवाना है, और साजिद भाई क्या कर पाएंगे, उनके तो वो भी औलाद हैं, और अगर एक साइड पर अगर अच्छे घर में रह रहे हैं, दूसरे बच्चे जो हैं वो अपने आप को वो क्या फील करें, कम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड ये किया होगा कि बना कर रखते हैं सितारा के साथ, ताकि हमारा इन बच्चों का भी जो है ना फ्यूचर जो है अच्छा बन जाए, और सितारा कर भी रही है उनके लिए। तो एक बहन ने कमेंट किया हुआ था कि सितारा आप ना करना भी सीखें, हर एक को जो है ना वो अगर आप मतलब एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं ना, तो हर एक चीज़ में आपको ये नहीं होना चाहिए कि जो किसी ने कहा चलो ठीक है कर दें कर दें, इस तरह बिजनेस नहीं चलते। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर, और इसके अलावा सितारा गई है कौसर के घर में, और वहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लगी हुई थी, और वहाँ पर एक पौधा था। अब जो मेन चीज़ है कि सितारा की मुश्किल मैंने क्या हल कर दी, तो वो पौधा जो था वो सितारा कह रही थी कि ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी है, कावा इसका बनता है या नहीं बनता इसे, तो उसको बताता चलो। यहाँ पर ना हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा ये पौधा पाया जाता है, न्याज बो इसे कहते हैं। ये तुलसी और न्याज बो आपस में ना इनका बहुत करीबी तलक है, आम बंदा जो नहीं जानता होता ना वो नहीं पहचान पाता। कई लोग तो समझते हैं कि तुलसी और न्याज बो जो होती है वो सेम होती है, लेकिन न्याज बो के और तुलसी के जो ऊपर फूल लगते हैं ना उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। न्याज बो के जो फूल होते हैं वो ऐसे लंबे से लगते हैं, सॉरी तुलसी के, और छोटे छोटे कांटे उनके ना फूलों के साथ छोटे छोटे बारीक से होते हैं। जिन लोगों ने तुलसी देखी होगी उसे पता होगा। और जो न्याज बो के होते हैं फूल उनके वो जो होते हैं ना वो छोटे छोटे गुच्छे से बने हुए होते हैं, और पत्तों में भी थोड़ा सा ना फ़र्क होता है न्याज बो के और तुलसी के। तो यहाँ पर जो पौधा सितारा दिखा रही थी वो डेफिनेटली न्याज बो है, और इसका बहुत फ़ायदा है, तुलसी के भी बहुत फ़ायदे हैं, और जो न्याज बो है इसका कावा बनाया जा सकता है। और ये इस तरह बनाया जा सकता है कि आप 2 कप पानी लेकर वहाँ से, अगर आपने खुशक की हुई है उसके पत्ते तो भी, अगर हरे पत्ते ले लें तो वो भी आप उसमें धोकर उसके अंदर डालें, पानी के अंदर 10 पत्ते ले लें, और उन्हें हल्की आंच पर थोड़ा सा पकने दें। 5-6 मिनट पकने के बाद 1 कप जब पानी रह जाए तो उसे उतार कर बीच में आप शहद डाल सकते हैं, अगर आपने चीनी डालनी है चीनी डाल लें, या आप लेमन डालना चाहते हैं ये होगा, ये ऑप्शनल है। अदरवाइज़ आप जस्ट उन पत्तों के साथ थोड़ी सी चीनी डालकर वो कावा पी सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन है। और ये आपको सर्दियों में एक तो आपकी थकावट, ये जो जिस्म में छोटे मोटे दर्द होते हैं वो उनके लिए ठीक है, और उसके अलावा ये जो है वो क्या कहते हैं आपके कुव्वते मुदाफियत को ठीक करता है, हाजमे को ठीक करता है। मैं अक्सर ना हमें मिल जाता है ना यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हमारे इलाके में बहुत है, मैं आप किसी दिन ना आपको दिखाऊंगा कि जगह जगह पर लगा हुआ। तो मैं क्योंकि मुझे सांस की प्रॉब्लम है ना तो मैं तोड़ लाता हूँ, और अक्सर जब कावा बनाता हूँ डेली तो नहीं, वैसे कावा तो मैं डेली पीता हूँ, हर्बल कावा जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें दालचीनी इलायची और ये चीज़ें जो है ना डालकर, क्योंकि इससे मेरी छाती जो है ना क्लियर रहती है।
तो ये भी बीच में लाकर डाल देता हूँ। तो वैसे इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ये सितारा की मुश्किल इस तरह हल हो गई है, और आप कमेंट करके इस तारा को बता सकते हैं कि ये नियाज वो है और आप इस तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का भला हो जाए तो और क्या चाहिए। और उसके अलावा जी रबीना आंटी का ब्लॉग देखा है, रबीना आंटी ने कह रही थी कि उन्होंने टाइटल लगा रखा था कि मैं कराची नैना के पास जा रही हूँ। अब मैंने उनका ब्लॉग लगा लिया है और मैं सोचने लगूँ कि अब क्यों जा रही हैं, अभी तो वो वहाँ पर पहुँची हैं, अब ये क्या ताना पेटा लगा रखा है आना जाना, इससे तो वो थक जाएंगी, बीमार हो जाएंगी। तो कमेंट्स में मैं देखने लग गया, कुछ बहनों ने कमेंट किए हुए थे कि ये जानबूझ का टाइटल लगाया हुआ है अमीन ने, और वो रबीना आंटी को गालियाँ पड़वाना चाहता है, ना रबीना आंटी जा रही है और ना उन्होंने इस सिलसिले में कोई बात की है, और ये साथ में कोई बुरा भला भी कहा जा रहा था। एक्चुअली रबीना आंटी ना थंबनेल लगा सकती है और ना लिख सकती, वैसे जो लिखते हैं ना लोग जो या मशवरा कर लेते लिखा होगा जो है अमीन साहब ने के इस तरह का टाइटल लगाने लगा। बहरहाल जो चाचू गुलाम अहमद साहब हैं उनकी तो इसी वजह से बुरा भला कहा जाता है कई बार कि वो उनके टाइटल की भी कोई समझ नहीं आती। खैर अभी तक के लिए इतना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।